मुझे मछलियाँ पसंद हैं, लेकिन खाने की प्लेट में नहीं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन समंदर के भीतर गहराई में उतरकर। 2008 में मैंने स्कूबा डाइविंग का पैडी सर्टिफिकेशन कोर्स किया था। पैडी का मतलब होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइव इंस्ट्रक्टर्स। और उसके बाद से जब ये शौक शुरू हुआ, तो जब भी मौका मिलता है मैं स्कूबा डाइविंग के लिए जाता हूँ, और खास करके जब भी कोंकण आना होता है तो यहाँ के खूबसूरत समंदर की गहराइयों का मजा उठाना बिल्कुल बनता है। तभी भी मौका मिला, चुनावी कवरेज के दौरान कुछ फुर्सत के पल मिले तो मैं यहाँ पर आ गया इस समंदर किनारे। और यहाँ पर एक डाइव सेंटर है जिसके की ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, यस मिरकर जी हमारे दोस्त हैं। मिरकर जी, ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह की मछलियों की वैरायटी हमें देखने मिलेगी? वैरायटी सर ज़ेब्रा फिश रहती है ना, हम अपने लोकल लैंग्वेज में ताऊस तामगोशी ऐसे कुछ, मतलब एक अच्छे प्रकार के मतलब आपको मछली इधर दिखेगी प्रॉपर। अगर पानी पूरा मतलब विजिबिलिटी पूरी रहेगी तो और भी कुछ मतलब ऐसे मिस्टीरियस फिशेस भी दिखती है आपको। अच्छा बिल्कुल, ये बताइए कि यहाँ पर कितना इस बीच के इर्द गिर्द समंदर कितना गहरा है? गहरा अभी सर स्कूबा के पॉइंट पे हमारे 30 फीट डीप रहता है। 30 फीट की गहराई, और हम कितने गहरे जाएंगे? आप अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कोई कोई लोग ज्यादा प्रेशर से नहीं लेते इसलिए वो 10 से 20 फीट तक ही जाते हैं, वरना कुछ लोग पूरे 30 फीट तक भी जा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कितने गहराई तक हम उतर पाते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ समंदर की इस दुनिया में। अब हम समुद्र तट से अंदर की ओर जा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह पर जहां पर पानी गहरा होगा, और फिर वहां से हमारी इंजन शुरू होगी। डाइव करने के लिए तैयार हैं। ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बीसीडी, बायसी कंट्रोल डिवाइस। इसे पहनना होगा पानी में उतरने से पहले, और साथ में इसके अटैच की गई है एयर टैंक। ये ऑक्सीजन टैंक नहीं है, ये एयर टैंक है, क्योंकि जो हवा हम लेते हैं वो ऑक्सीजन समेत कई सारी गैसों का मिक्सचर होता है, तो उसी तरह से सतह पर जो हम हवा लेते हैं जिससे सांस लेते हैं वही हवा पानी के भीतर भी हमें मिलेगी इस टैंक के जरिए। और पानी के भीतर जब एक डाइवर दूसरे से बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए एक सिग्नल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर अंगूठा ऊपर की तरफ दिखाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेस्ट ऑफ लक, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना है। अगर नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है हमें और गहरे जाना है। अगर इस तरह से तीन उंगलियों को उठाकर संकेत दिया जा रहा है तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, और अगर इस तरह से सिग्नल दिया जाता है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरा है। और अगर इस तरह से घूंसा दिखाया जाता है तो घूंसा दिखाने का मतलब धमकी देना नहीं है, घूंसा दिखाने का मतलब यह है कि किसी प्रकार का खतरा पानी के भीतर हो सकता है, कि शार्क या फिर कोई खतरनाक मछली आपकी तरफ आ रही हो, आपके पार्टनर की तरफ, तो आप उसको अलर्ट करते हैं। और जब आपका डाइव बड़ी इस तरह का सिग्नल दे, आंखों की तरफ उंगलियां पॉइंट आउट करे, तो इसका मतलब यह होता है कि वो आपको कुछ दिखाना चाह रहा है कि आप मेरी तरफ देखिए, वहां पर ये है। तो इस तरह के संकेतों का इस्तेमाल करके पानी के भीतर आपस में बातचीत की जाती है, क्योंकि आपके मुंह पर जो है पाइप लगा होता है जिससे कि आप हवा ले रहे होते हैं, और ऐसे में आप बोलचाल तो पानी के जाहिर तौर पर कर ही नहीं सकते।
तो अब हम यहाँ खड़े हैं नेवरे बीच पे, नेवरे काजीरबाटी बीच। तो ये बीच पे हमारा स्कूबा डाइविंग का सेंटर है मिरकल वाटर स्पोर्ट्स करके। तो जब भी आप कोई रत्नागिरी आओगे ट्रैवल करने तो हमारे यहाँ जरूर आना स्कूबा डाइविंग के लिए। हमारे पास स्कूबा डाइविंग है, बाकी वाटर स्पोर्ट्स भी है जैसे कि जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, सोफा राइड, स्पीड बोट राइड और कायाकिंग भी है। वो सब आप एंजॉय कर सकते हो हमारे यहाँ आने के बाद। इसलिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8999246090। थैंक यू।